जब लालू यादव बोल रहा कि रोड के जो है हम हेमा मालिन के गाल की तरफ बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार जी है ओकरा में जैसे छेदे कर दल के। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है, ध्यान नहीं देता है पुलिस। कमीशन का धंधा इतना है, पहले तो 5-10% होता था, अभी तो सुनते हैं 48-50% कमीशन है। तो 50% पैसा जहाँ एक रुपया में 50 पैसा नेता के घर में आ जाएगा तो फिर पुल बनेगा कितने का? जो बनवाने वाला ठेकेदार है, पूंजी लगाता है, वो कितना कमाएगा? सरकार की काली करतूत है ये सरकार, ना निकम्मा सरकार है। इसको पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए, अफसर को कमीशन चाहिए, जो नेता है, राजनेता है, उनको कमीशन चाहिए। तो पुल पक्का अच्छा से कहाँ से बनेगा? पुल के तो बात अलग है, यहाँ बारिश हो रहा है तो साला पुले सब ढह रहा है। हम गांव से आते हैं और हम एक निम्न गांव से नीचे के लोग हैं, जहां नदी का जो आप बाढ़ की बात कर रहे हैं तो बाया नदी के तट पे बसे हुए हैं। और साल में जब बाढ़ आ जाती है तो 6-8 महीना तक पानी नहीं सूखता है। बिहार में अब तक 17 पुल गिर चुका है और कई इलाका में तो बाढ़ आ गया है, चाहे वो भागलपुर की बात कर लें या मोतिहारी की। तो आखिर बिहार में क्या हो रहा है? केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी है, तो आखिर इस तरह का घटना क्यों हो जा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ किशोर कुणाल, भूतपूर्व सैनिक, सहजन सुराज कार्यकर्ता, पारू विधानसभा। जनसुराज के कार्यकर्ता है? पक्का पक्का, जनता का सुंदर राज जन सुराज। तो ये बताइए, पुलवा कहां गिर जा रहा है? पुलवा गिर जा रहा है, अब आप एक क्वेश्चन पूछे हैं और ये हम लगते हैं कि बिहार का अगर पहला दूसरा तीसरा स्थान इस आपके चैनल का आता है तो अपने वेद प्रकाश भाई को सबसे पहले नमस्कार करते हैं कि उनका भी एक नंबर में नाम आता है। जी, जी, जी। तो जो वो भी गलत चीज़ों को खोजते हैं तो आपके माध्यम से ये बताते हैं कि आप बोल रहे हैं कि पुलवा क्यों गिर जा रहा है, अगर एक आदमी मालिक होगा तभी ना। तो कमीशन, यहाँ तो बिहार कमीशन का धंधा है, वो आप मृत्यु प्रमाण पत्र से आइए तब, चाहे जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र कहीं जाइए, तो वो तो पुल का बात है। कमीशन का धंधा इतना है, पहले तो 5-10% होता था, अभी तो सुनते हैं 48-50% कमीशन है। तो 50% पैसा जहां एक रुपया में 50 पैसा नेता के घर में आ जाएगा तो फिर पुल बनेगा कितने का? जो बनवाने वाला ठेकेदार है, वो पूंजी लगाता है, वो कितना कमाएगा? तो 25% का कार्य हो रहा है, गरीब जनता तक माध्यम नहीं पहुंच पा रहा है जो उनका हक है। यही सब है पुल गिरने का, मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब एक टेंडर में मानिए 1 करोड़ आता है तो 25 लाख का काम होता है? 25 लाख का ही लगभग, 25 से 35 लाख का काम होता है। 65 लाख रुपया, 50 लाख तो चला जाता है आपको जिस जो उसका मंत्री है, जो उसका प्रधान सचिव है, उस सबके पास। आई नीचे जो यही को तो पीछे है, वो तो कीड़ा मकोड़ा है, उसकी बात ही नहीं कीजिए। तो ये करप्ट है सरकार? भाई पूरी तरह करप्ट है। अरे एक थानेदार का अगर तबादला होता है तो 7-8 लाख रुपया थानेदार का रेट है, तो एसपी का कितना रेट होगा? एक बीडीओ का भी तबादला हुआ है 10 दिन पहले, पूरे बिहार में एक स्तर पे बीडीओ का तबादला हुआ है, उसमें तबादले में करोड़ों का ये हुआ है। मनचाहा बीडीओ क्यों मिलता है भाई किसी को भी? तो ऐसी बातें हैं, इन पे आप बहुत जाइएगा, नीचे खखोलना होगा आपको, और नीचे जनता इसके लिए त्रस्त है। अब हर एक चीज ने एक बात कहा है कि जल संसाधन विभाग जो है वो पैसा कमाने का बहुत बड़ा स्रोत है, याद है आपको? जी जी। हाँ। अब आपको हम क्लियर बता रहे हैं, तो बिहार में बाढ़ भी आ गया। सुने ना, हम गांव से आते हैं। हाँ। और हम एक निम्न गांव से नीचे के लोग हैं, जहां नदी का जो आप बाढ़ की बात कर रहे हैं तो बाया नदी के तट पे बसे हुए हैं। और साल में जब बाढ़ आ जाती है तो 6-8 महीना तक पानी नहीं सूखता है। और जल संसाधन विभाग की बात है, हमारे अभिभावक आज रहे नहीं, उन्होंने एक नरेगा मैन के नाम से जाने जाते हैं रघुवंश बाबू, पार्टी कोई भी हो उनकी, ठीक है, पार्टी कोई भी हो, उन्होंने काम किया था, मनरेगा नरेगा लाया था, मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वो किस स्तर पे हुआ? वो ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हुआ, कागजों में और खाते पे काम हुआ है। तो उसी हिसाब से काम हो रहा है, पुल कहीं जैसे ध्वस्त हो रहा है वैसे बांध ध्वस्त ठीक रंग से नहीं बन रहा है, इसलिए टूट जा रहा है, बढ़ा रहा है। अगर आप जान रहे हैं कि पानी इधर से जाना है, उसका बांध अगर मजबूत बनाएंगे तो क्यों पानी आएगा भाई, कैसे बांध टूटेगा? सरकार की कहीं संलिप्तता रहती है क्या? सरकार के जो चमचे बेलचे हैं, जो उनके आगे पीछे इधर उधर उठाने वाले हैं, वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो लोग जुड़ के कार्य कर रहे हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उनको कमीशन मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवकिशोर शर्मा हुआ। पुल कैसे गिर जा रहा है बिहार में? तो सरकार जो डबल सरकार है, हाँ। तो सब घुसखोर है, घुस हाँ। लेकर के लोगों को जैसे तैसे बनवा देता है, मटेरियल उसमें देता है नहीं, हाँ। तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ। हाँ? तो पुल गिरने का वजह क्या है? वही
कमीशन पर काम होता है। कमीशन ले लिया, जैसे तैसे बनवा दिया, मटेरियल कम दिया। तो मतलब नहीं, अब ठीक, बस इतना ही। पर आखिर ये सब सुधरेगा कब? अब देखिए, अब तो प्रशांत किशोर जी आएंगे तो हमको लगता है कि सुधारेंगे। तो मतलब आप लोग प्रशांत किशोर का चेला है? जी, प्रशांत किशोर जी का। चलिए, काहे पुल गिर जा रहा है बिहार में? भ्रष्ट सरकार है। पंडित जी हैं जी, भूमिहार हैं। भूमिहार हैं, तो आखिर क्यों सरकार पुल गिरता है? भ्रष्ट सरकार है, सब भ्रष्ट के भेंट चढ़ जा रहा है। 70% पैसा चला जा रहा है भ्रष्ट लोगों अधिकारी के हाथ में, तो पुल गिरेगा नहीं तो बचेगा कहाँ से? तो मतलब मजबूती से तो बनानी चाहिए पुल, ये तो सरकार की कर्तव्य है। सरकार की काली करतूत है ये, सरकार ना निकम्मा सरकार है। इसको पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए, अफसर को कमीशन चाहिए, जो नेता है, राजनेता है, उनको कमीशन चाहिए। तो पुल पक्का अच्छा से कहाँ से बनेगा? पॉकेट में पैसा आएगा नहीं तो कैसे होगा? पॉकेट में पैसा आना चाहिए। तो ये बात जनता को कब समझ में आएगी? अब जनता समझेगी, जनता तुरंत समझेगी, 2025 विधानसभा में समझेगी जनता। खेला हो जाएगा, एकदम खेला होगा। जन सुराज की सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर के समर्थन में, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी। आप लोग प्रशांत किशोर का नाम ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, आप उनके आदमी है क्या? प्रशांत किशोर जन सुराज के कार्यकर्ता है हम लोग, जन सुराज के कार्यकर्ता। चलिए, तो ऐसा है कि आप जो बोले प्रशांत किशोर के आदमी नहीं है, पूरा बिहार प्रशांत किशोर बनने के लिए तैयार है। एक महात्मा गांधी ने जहां से मोतिहारी से जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, वहीं से प्रशांत किशोर जी पैदल चलना शुरू किए हैं। तो जैसे गांधी जी आगे चले थे, पूरा देश चला और आजादी का जश्न मनाया 1947 में, वैसे ही 2025 में बिहार विधानसभा में पूरी बदलाव के साथ जनसुराज का कायम चप्पे चप्पे में कायम रहेगा। तब पुलवा गिरने का वजह क्या है चचा? क्या नाम हुआ आपका? सूरज चौधरी। काहे पुलवा गिर जाता है चौधरी जी? मटेरियल बढ़िया नहीं रहता इसीलिए गिर जाता है, मटेरियल बढ़िया नहीं डलाता है। तो सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार बढ़िया नहीं है, सरकार बढ़िया नहीं है। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है, ध्यान नहीं देता है पुलिस अब। क्या बोले नीतीश कुमार? इंजीनियर है। अरे सबसे बड़ा चीज हम ना कि जब लालू यादव बोले रहा कि रोड के जो है हम हेमा मालिन के गाल की तरफ बने हुए हैं, नीतीशवा जी है ओकरा में जैसे छेदे कर दल के पूरा रोडवा पर जो है गड्ढा ऐसा कर दल के आदमी गिरते तो पहले मुकानार फट जाते। तो पुल के तो बात अलग है, यहाँ बारिश हो रहा है तो साला पुल सब ढह रहा है। इसमें जो है आप खुद चीज पे केयर करिए कि अगला जो है बोल रहा है कि भैया हम बहुत अच्छा काम, फुटपाटी दुकानदार को तो सबको नोच के खा रहा है, हल्ला गाड़ी आता है बेचारा जो से ठेला। अरे भैया कम से कम जगह दीजिए, आदमी सब का कार्ड बना हुआ है और उसके बाद जो कार्ड बनने के बाद जो है 2000 रुपया फाइन ले लिया, ठेला पकड़ के लेके गया, ठेला तोड़ दिया, पुलवा काहे गिर जा रहा है? तो वही चीज बना है, जब गरीब आदमी को कुछ सुनिए नहीं रहा है तो वो पुलवा में लगाता है, पैसा जो है सब अधिकतर जो है खा जाता, अपने पका के खाना शुरू कर दिया है। तो ये बदलाव होगा सरकार? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। 20 साल हो गया, बदलाव बदलाव महा जरूरी है, महा जरूरी जी। तेजस्वी जो था ना बहुत अच्छा है, हम बता रहे हैं तेजस्वी के लिए। लालू यादव जो इतना अच्छा सुंदर काम किया, 1990 में हमने इंदा से लॉटरी बंद करवाया, जो गरीब आदमी जो है लॉटरी खेल खेल के बर्बाद हो रहा था, उसने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। और अभी के डेट में तेजस्वी को उसको मौका मिलना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो देखिए बिहार में पुल गिर जा रहा है, चाचा का लिट्टी चोखा वाला दुकान है, लिट्टी गरम गरम सका रहा है यहाँ पर ही, और आइए खाइए अच्छा लगेगा। लिट्टी का मौसम है अभी, गर्मी का मौसम है और ठंडा का भी मौसम है, बारिश भी हो रही है। तो हम पुल पे चर्चा कर रहे थे कि पुल बिहार में आखिर क्यों गिर रहा है, तो लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 100% का काम नहीं होता है। जैसे कि आपको टेंडर मिला है 2 करोड़ रुपया का, तो मात्र वहाँ 60 लाख का ही काम होगा, बाकी जो पैसा है वो गपत हो जाएगी। तो हम तमाम जनता से बात किए, बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, और हाँ आप क्या सोचते हैं बिहार में आखिर क्यों गिर रहा है पुल, डबल इंजन की सरकार है? प्रतिक्रिया देने चाहे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर रहे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर